महिला आईटीआई मंडी में 18 वर्ष की उम्र कर ली पार, मिला अब वोट का अधिकार को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने शिरकत की। इस दौरान एसडीएम रितिका जिंदल ने कहा कि आजकल मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और इस पुनरीक्षण में 18 वर्ष की उम्र पार करने वालों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत वुमेन आईटीआई में भाषण प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विशेष तौर पर आईटीआई की छात्राओं को मतदान उनका अधिकार है और उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में आईटीआई अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो आजकल रिवाइज, जो उसकी रिविजन चल रही है, और जितने भी 18 प्लस वोटर्स हैं जो नए अभी ही 18 साल से ऊपर हुए हैं, तो उनकी जो है इंडक्शन हो रही है वोटर लिस्ट में, तो उनके नेम्स की। तो हमने वुमेन आईटीआई में जो आज डिक्लेमेशन डिबेट कॉम्पिटिशन करवाया था, जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा डिबेट कॉम्पिटिशन किया इस चीज़ पर कि वोटिंग जो है वो हमारा अधिकार है, उसको सोच समझ के ही हमें यूज़ करना चाहिए। और जितने भी 18 साल से ऊपर नए लोग आ रहे हैं, या अगर कोई वैसे भी छूट गया हो, तो उसको जो है हमारी वोटर लिस्ट में अपडेशन बहुत ज़रूरी है। सो ये वोटर लिस्ट की अपडेशन अवेयरनेस के लिए, वो टू एक्सरसाइज वोटिंग एज अ राइट, उसके लिए अवेयरनेस ड्राइव भी थी, और जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मैं वुमेन आईटीआई वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।